हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैम की पढ़ाई। आई एम योर टीचर शुभि मालविया। स्टूडेंट्स, दिस इज माय सेकंड लेक्चर फॉर द चैप्टर आर एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट आर सेकंड लेक्चर। टुडेज द टॉपिक ऑफ दिस सेकंड लेक्चर इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। First one is the lithosphere. Lithosphere means all land available on earth will come in lithosphere. Second one is hydrosphere. Hydrosphere refers to all water or all liquid composition present on the earth. Third one is atmosphere. Atmosphere means air. And the fourth is all plants and animals included and called the biosphere. Now we will start to discuss about lithosphere in detail. The solid crust of the earth is known as lithosphere. It consists of different types of landscapes such as mountains, plateaus, etc. means jo hamara lithosphere hota hai wo earth ka solid crust hota hai and isme डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप जो भी होते हैं वो सभी लिथोस्फीयर में आते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, ये सभी इसमें आते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का होम भी हमारा लिथोस्फीयर होता है क्योंकि ये हमारा लैंड है। इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और यही ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए और क्रॉप्स के ग्रो के लिए लैंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज hydrosphere. As I say that the liquid or water components of the earth is known as hydrosphere. Means earth par jitne bhi liquid ya water components present hain that are called the hydrosphere. Isme aapka oceans, sea, lakes, river, ponds, etc. all these comes or all these includes in hydrosphere. It is also used as means of transport. ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में वी यूज़ द हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर। द स्फीयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर का पूरा एक वातावरण है या पूरा एक आवरण है दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय प्रोवाइडिंग राइट मिक्सचर ऑफ गैसेस। इस पूरे एटमॉस्फेयर में एक कुछ गैसेस का मिक्सचर होता है और ये राइट फॉर्म में होता है। अगर ये थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो जाए तो कोई भी लिविंग थिंग्स वहां पर रह नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इज ऑल्सो शील्ड्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। सन के जो रेडिएशंस होते हैं उससे भी ये एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज बायोस्फेयर। इट मीन्स द लिविंग वर्ल्ड, मीन्स ऑल द लिविंग थिंग्स विच हैव द लाइव्स कम इन बायोस्फेयर। इट कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। किस में लाइफ होता है? प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ये सारी ही चीजें इंक्लूडेड होती हैं किसमें? बायोस्फीयर में। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक ऐसा नैरो जोन होता है जहां पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं फॉर विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इकोसिस्टम। ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग। इस इकोसिस्टम में जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन ईच अदर विथ देयर सराउंडिंग्स। वे अपने आसपास के सराउंडिंग्स के साथ में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट कह सकते हैं या एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मीन्स बायोटिक, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इसके फर्स्ट लेक्चर में, बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मीन्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स कंबाइन टू क्रिएट अ सिस्टम
विच इज नोन एज इकोसिस्टम, मीन्स ये दोनों बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों ही कॉम्पोनेंट्स कंबाइन करके एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करते हैं दैट इज नोन एज इकोसिस्टम, जहां पर ये दोनों ही लोगों का एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंसी होती है. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स आर नेचुरल इकोसिस्टम, मींस जो चीजें नेचर के थ्रू प्रोवाइडेड हैं दैट विल कम इन नेचुरल इकोसिस्टम एंड दोज आर मेड बाय ह्यूमन दैट विल बिकम इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सच एज एक्वेरियम. एक्वेरियम को आपने देखा होगा, वहां पर जब फिशेस को रखा जाता है तो फिश, अगर सिर्फ फिश को अगर आपने किसी एक्वेरियम में रखा तो वो वहां पर बहुत दिन तक नहीं रह पाती, जिंदा नहीं रह पाती, वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाती हैं. दिस इज वेयर ह्यूमन मेक देयर एटमोसफियर इन दैट एक्वेरियम. इसीलिए ह्यूमंस को क्या करना पड़ता है कि उस एक्वेरियम में कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है, कुछ एक ऐसा उनका नेचुरल वहां पर एनवायरमेंट बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, जिससे कि फिश को फील हो कि हाँ ये हमारा वही एरिया है. तो दिस इज वाई एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर. Students, if you have any questions, you can ask me through comment box. Stay tuned for next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel.